हे गाइस, वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ मैथ बूस्टर। आज हम सीखने वाले हैं डीआई पार्ट 2 में परसेंटेज के बारे में, किस तरीके से हम परसेंटेज को फाइंड करें, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। तो इस परसेंटेज में मैं आपको इसमें परसेंटेज का कोई चैप्टर नहीं बताने वाला, इसमें मैं बताऊंगा कि डीआई से रिलेटेड जो आपके ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट होते हैं उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, कौन सा अप्रोच लगाया जाए जिससे हम परसेंटेज को अप्रोक्सीमेट परसेंटेज को बना सकें। इसके लिए आपको काफी ही बेहद जरूरी एक पॉइंट है, वो है ऑप्शंस। आप हम जब भी अप्रोच करेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो उसके ऑप्शंस है, देयर इज अ नो नीड टू कैलकुलेट होल थिंग्स। आपको अगर किसी ने दे दिया 14 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 100, देयर इज अ नो नीड टू कैलकुलेट होल थिंग्स। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप पूरी चीजों को मल्टीप्लाई करके निकालें, आपको ये जरूरत पूरी जरूरत नहीं होती कि आप पूरी चीज को ये निकालें। परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज फाइंड किया जाना दो तरीके का होता है। सबसे पहला फ्रैक्शन चार्ट से, दूसरा बेस। अपने बेस को 100 डिवाइड करते हैं। तो हम देखेंगे कि इन दोनों को किस तरीके से हम बना सकते हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट। हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है, वो है 83.7 अपॉन 207.7 मल्टीप्लाई बाई 100। ऑप्शंस आपके पास गिवन है 40.3%, बी 35.6%, 51.5%, डी 56.3%। ओके, अब इन चारों में से कोई आपका आंसर होगा, इसको हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल सी चीज नहीं है, इनको अगर बनाने जाओगे तो अच्छा खासा टाइम टेकेंगे, टाइम लोगे। तो किस तरीके से हम कौन सा अप्रोच लगा और किस तरीके का, आप कह सकते हो कि सर ये आपने जो ऑप्शंस लिए वो अपने मन से लिए। ना, मैंने अपने मन से नहीं लिए, ये जो डेटा है वो डेटा है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में आपके डीए में आया है, और ये ही चीज होल वैल्यू मतलब आप फाइंड कर रहे होंगे तो फाइनली ये चीज आपको कैलकुलेट करके आंसर देना। तो बच्चे तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं लोग की जो कैलकुलेट यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद भैया आगे कैसे बढ़े यही तो टाइम लेता है। गुरुजी यही बता दीजिए कैसे। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं, जो आपको सबसे दिक्कत करता है वही इसी चीज पे मैं बात करने वाला हूँ। तो अभी आप देखो इसमें करेंगे क्या, इस तरीके का जब भी कभी सवाल आएगा आप डायरेक्ट इसके बेस में कौन है 207.7 इसको लेट करेंगे 100%। लेट क्या करेंगे, ये होता ही 100%। जैसे कि मान लो ऊपर 83.7 है, उसके जगह पे अगर 207.7 रहता तो आपका आंसर होता 100%। तो उसी तरीके से हम देखेंगे और यूनिटरी मेथड को फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे 207.7 दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 100%। मैं पहले वाली चीज को पूरी डिराइव करके आपको बताऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि अप्रोच कैसे करें। फिर दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर, तो ये 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका हो गया 10%। तो 10% आपका बराबर हो जाना है 20.7। अब हमारा अप्रोच यहां से ऑपरेशन चालू। हमने क्या किया, 207.7 को लेट किया 100%, ये तो 100% होगा ही, क्योंकि अगर 83.7 के जगह पे अगर आपको होता 207.7 तो आपका आंसर होना था 100%। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कि 10% बराबर हो गया 20.7। अब इसके इसके बाद हमारा अगला अप्रोच क्या होगा। अब ये बताओ हम इधर अप्रोक्सीमेटली कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लगभग ये 83 के आसपास पहुंच जाए। तो फिर मैं देख रहा हूं, जहां तक मुझे लग रहा है अगर मैं इससे को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 80 के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन मैं इसे कहीं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 के आसपास पहुंचेगा, अगर मैं कहीं से 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यह 100 पहुंच जाएगा, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। यानी मेरे पक्का पक्के दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो आपका ये नंबर इसके काफी करीब पहुंच जाएगा। तो इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा कितना परसेंट, 40%। अब ये बताओ 40% अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर होना, तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे, हमारे ऑप्शन में है 35% ना, 35 तो आपका हो ही नहीं सकता। 56 अगर यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू 100 को टेंड करेगी और हमें चाहिए कितना 80। हम हमेशा देखेंगे इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें सिर्फ नंबर है वो आ जाए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना आपका आ गया 4, तो ये तो आना ही, ये भी ये
हाँ ये हो सकता है। तो क्या लगता है हम बार बार इतना प्रोसीजर फॉलो करेंगे? नहीं, जब भी कभी आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस मिल गया तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, पीछे से एक पॉइंट लगा दीजिएगा, पहले से इसके पास एक पॉइंट है, अब इसके पास एक और पॉइंट लगा दिए, हम इस लगा दिए, अब देखेंगे इसमें हम कितने से लगभग मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। तो मेरे को दिख रहा है कि 2 में लगभग हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी आपका आंसर लगभग 40% के आसपास घूम रहा होगा। आप टिक कर सकते हैं आंख बंद करके, यही आपका आंसर आ रहा है, या फिर आप इस प्रोसीजर को भी फॉलो कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा रूल है कि आप पीछे से एक पॉइंट लगाओ, यहाँ पे पहले से एक पॉइंट था इसलिए मैंने एक पॉइंट आगे लगा दिया, ये एक पॉइंट और कुछ नहीं करने लगा, ये डेरिवेशन यही से आ रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे क्यों लगा है भैया, 27 पॉइंट या 77 होना है, लेकिन 27.77 को मैंने लिख दिया 20 पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ पे आनी नहीं, तो 10% बराबर हो गया 20.7। उसी तरीके से आप अपने मन में ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से पॉइंट लगा दो और उसी को देख लो कितना टाइम से, उसी से आप बना सकते हैं। तो फिर हम इसके बाद देखते हैं कुछ अगले प्रॉब्लम्स को, कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम को। मल्टीप्लाई बाय 100, योर फर्स्ट ऑप्शन इज 42.36%, योर सेकेंड ऑप्शन इज 40%, योर थर्ड ऑप्शन इज 36%, योर लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज 48.6%। अब इसको आपको बताना है कि भाई आपका आंसर कौन होगा, कौन सा नहीं। मैं बोलूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद इसे ट्राई करो, आप जब इसे ट्राई करोगे तब आप बनाओगे तब आपको आएगा, मैं बनाऊंगा तो मेरे को आएगा। तो अब देखते हैं इस पे मेरा क्या अप्रोच आएगा, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। साफ साफ पहले ही वाली बात को सबसे पहले मैं डिराइव करता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा ट्रिक्स की बात। डिराइव करने पे वो क्या होगा, अपना वही फंडा 199.5 को कितना लेट कर लो भैया 100, तो 100% 10% किसके बराबर, 19.9 के बराबर। अब ये बताओ 19.9 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं भैया 20 के बराबर हो, यानी 10% बराबर हो गया किसके भैया, 20 के बराबर हो गया। अब 20 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 84 है, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मैं 20 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 के पास पहुंच जाएगा, 4 से एवं, ये नहीं कि 4 से, लेकिन मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा या 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका नंबर कभी भी 80 के आसपास नहीं पहुंचेगा, यानी ये जो ऑप्शन है 36 ऐसे रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 80 आएगा, क्या आएगा 80 आएगा, चाहिए 84। दूसरी बात, ये 20 है नहीं, ये 19.9, यानी कि मैं 20 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 है, तो 19.9 में मैं 4 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो 80 के आसपास पहुंचेगा, यानी 40 भी आपका आंसर नहीं, आपका आंसर आइदर 42.36% और 48.6%। अब देखते हैं कि दोनों में से आपका आंसर कौन। तो फिर हमारा अगला अप्रोच क्या होगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दी, आपका आ जाएगा 80। अब लिख सकते हैं इसको 80 प्लस 4.5 आपका बच कौन गया, 4.5 ही तो बचा है, ये जो आपका 4.5 बचा इसी को देखना है कि आपका कितना परसेंट, इसको फिर से इधर लेके आइए खींच के, इसको दोनों तरफ फिर से 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 1.9 इज मस्ट बी इक्वल्स टू 1%, यानी आप कह सकते हैं कि 2 बराबर है कितने परसेंट के, 1%। उसके बाद क्या, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 बराबर होगा कितने परसेंट के, 2% के, आपको चाहिए था 4.5, यानी कि पक्का पक्की बात आ गई क्या कि आपका 2% जो होगा वो बराबर है 4.5 से, आपका जो भी आंसर होगा वो 42% से थोड़ा अबव होगा, ऐसा नहीं कि 48% हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर गलती से भी 1% में मल्टीप्लाई कर दिए 8 से तो 16 पहुंच जाएगा, इसको 16 तो चाहिए भी नहीं है, चाहिए कितना 8.48, यानी जो आपका आंसर होना है वो कितना होना है 42.36%। आप एक बार फिर से इसको सुन लो, इसको मैंने करा क्या, सबसे पहले इसके बेस को हम लोग लेट करेंगे 100%, उसके बाद दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करें 10 से, क्यों 10 से डिवाइड करें भाई, क्योंकि मेरे को 10% बनाना था। सबसे पहला आपका काम यही होगा कि सबसे पहले आप दोनों को यहाँ पे देख लो ये कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर, उसके बाद दोनों तरफ 10 से डिवाइड करो तो 10% बराबर हो जाएगा 19.9। तो अब आप इसको देख सकते हो क्या, इस 19.9 को मैंने लिख लिया 20, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखना कि 10% बराबर है 20 के, तो मैं 20 में दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 20 को मैं क्या पहुंचा दूं 80 के आसपास,
तो साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि इसको पहुंचाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है 4 से, या फिर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि 42 * 84, आप ऐसे आराम से बोल सकते हो क्या, 42 * 2 दैट इज मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, 84। तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ, यानी कि यहां पे हम डायरेक्ट मैं यहां पे लिख दूं, अगर आपका जो है 20 आया था और यहां पे जो 10% आया था, तो आप यहां पे डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि यार भैया, तो आप देखोगे कि 10% बराबर हो जाएगा 19.9 के। अभी किसी ने बोलना है कि अब इसका वैल्यू भाई निकालो, तो आप देख सकते हैं ये जो 10% है वो ऑब्वियसली बात है बराबर हो गया लगभग 20 के। तो 20 में मैं हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 84 के करीब भी पहुंच जाए। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि भाई 4.2 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो जीरो है 20 का, ये जो जीरो है वो ये पॉइंट को खा जाएगा और 42 गुना 2 बना देगा 84। तो आपका जो भी आंसर होगा वो 84 के 42 के आसपास होगा, आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है 82.8.2 अपॉन 207.7 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 5%, बी नंबर 4%, सी नंबर 3% एंड डी नंबर 8%। आप देख सकते हो कि वैल्यू काफी क्लोज है जो आपके एग्जामिनेशन में दी जाती है, ऐसी ही वैल्यू क्लोज क्लोज आपको एग्जामिनेशन में दी जाएंगी। आपको पकड़ना होता है कि कौन आपका आंसर। हमारा अप्रोच अभी भी सेम है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, देखेंगे कि जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं सब 10% से कम है, तो हम भी वैल्यू अब 10% कैलकुलेट करने वाले नहीं है। हम यहाँ जो पहले लिखते थे 207.7% बराबर है 100% के, तो भैया पहले 10% कैलकुलेट करते थे, अब 10% कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ 100 से डिवाइड करो, तो दोनों तरफ आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.07, that it must be equals to 1%. ये 2.07 लगभग बराबर हो सकता है 2 के भाई, तो ये मैं सीधे सीधे बोल दूंगा कि भाई ये 2 के बराबर है, ये इधर 2 के बराबर आ गया और 1% बराबर है 2 के, तो मैं इसमें लगभग कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 8.2 हो जाए। हमको मल्टीप्लाई हमेशा इधर करना है परसेंट में नहीं, इधर सोचना है कि इसको इसके करीब पहुंचाना। तो देख रहा है साफ साफ कि इधर दोनों तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये वैल्यू पहुंच गई आपकी 8 के करीब, यानी जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 4% के आसपास, यानी आंसर कौन होगा, बी। अब देख लो कितना बड़ा सवाल था, हमने उसको चुटकियों में हल कर लिया। Your option is A number is 6.48%, 8.32%, 5.9% and 7%. B, C and D. Okay. Multiply by 100. फिर से वही same process, लेकिन इस बार जो हम लोग same process दोहराएंगे उसमें थोड़ा सा एक थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे। क्या बरतेंगे एहतियात, वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि सारे नंबर जो जो ऑप्शन है वो 10% से कम है, तो हम फिर से 1% कैलकुलेट करेंगे। आपका 1% डायरेक्ट बराबर हो जाएगा, अब आप आराम से निकाल सकते हो। 10% निकालने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं और 100% निकालने के लिए 1% निकालने के लिए 100 से, तो डिवाइड कर दो 100 से, आपका आ जाएगा 2.2। तो आप देख सकते हो 1% किसके बराबर आ गया आपका 2.2। उसी तरीके से 10% 22, 5% 11। ओके, अब आप पूछो कि मैंने 5% क्यों कैलकुलेट किया, 1% क्यों कैलकुलेट किया। आपको लाना है 14.3। अब देखो इस 5% और 1% दोनों को आप अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर आना 13.2, यानी कि आप बोल सकते हैं जो 6% बराबर है 13.2 के। लेकिन किसी ने बोल दिया, यहाँ पे देखो आपका वैल्यू जो है ये जो आपका आंसर आने वाला है 13.2, इसके काफी करीब पर हो चुका है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज कर सकते हो, 7% भी और 6% भी, 8% तो हो नहीं सकता, 5.9 तो हो नहीं सकता, यानी आपका आंसर या तो ये होगा आइदर दिस और दिस। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन होगा और कौन नहीं होगा, तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपका उपाय, आप बोर्ड से देखिए कुछ देर के लिए, यहाँ पे 6% 13.2, इसमें मैं लगभग कितना ऐड करूंगा, ये 14.3 हो जाएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है 1.1,
अप्रोक्स 1.1 ओके, इसमें मैं 1.1 ऐड कर दूं और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.3। तो 1.1 जो आपका है वो बराबर किसके, 0.5%, 5% बराबर है 11 के, तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5% बराबर हो जाएगा 1.1 के, यानी कि यहां मैं लगभग 0.5% और ऐड कर दूं तो आपका जो नंबर है वो काफी करीब पहुंच जाएगा 14.3 के। तो 7% तो आपका आंसर हो नहीं सकता, कौन होगा भाई, 6.8% होगा। क्यों, हमने क्या किया, 1% 2.2 10% 22 5% 1.1। अब इसमें मैंने ऐड किया 6% 13.2, क्यों, 5 + 1 13.2, इसमें 1.1 और ऐड हो जाए तो लगभग 14.3 के करीब पहुंच जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 6.5 के अप्रॉक्स आएगा, 7% तो आ नहीं सकता, हमारे पास 6.48% हमने उसको टिक किया। अब इसका हमको, अगर आप रेगुलरली एक दिन में 100-200 सवाल आप बना लो, उसके बाद लगातार आप 5 दिन इस पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखो आप कितने सही हो चुके। आप दूसरे एक नॉर्मल बच्चे से बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को। B 19.3% 15.3% C and D is 11.22%। देखते हैं आपका आंसर कौन, फिर से आपकी वही कहानी, 10% किसके बराबर, 4.9, and that is must be equals to 5. क्यों भाई, ये काफी nearest है 5 के, तो हम लेट कर देंगे कि 10% जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। अब देखिए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं और आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 है तो मैं लगभग 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहुंच जाएगा ये 15 पे, यानी जो आपका आंसर होगा वो 3 से, मतलब 30% किसके बराबर होगा, 15, यानी जो आपका आंसर होगा 30% से कम होगा, थोड़ा ही कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 15% बराबर है किसके, 30 के। अगर मैं 20% की बात करता तो वो बराबर हो जाता 10 के, यानी 19 11 15 सब तो गया, बच कौन गया, 28.4%। कितना देर लगा मुझे कैलकुलेट करते हो, आप आराम से चाहते तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम सिंपल सा एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या यहाँ पे हम लेट करेंगे कि 100% किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 70, उसके बाद 200% किसके बराबर होगा, 34, आपको निकालना है 30, तो आप कह सकते हैं 34 - 4 दैट इज मस्ट बी इक्वल्स टू, तो 34 तो आपका बराबर है 20% 200%, और 4 आपको पता नहीं। अगर मैं कैलकुलेट कर लूं कि ये 4 जो है 70 का कितना परसेंट है, और उतना ही परसेंट मैं इसमें से घटा दूं 200 पैसे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि 4 कितना परसेंट है, वही काम, 10% किसके बराबर होगा, 1.7। अब 1.7 में मैं लगभग किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 के करीब पहुंच जाए, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं कि मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ 2 से तो 3.2, तो 3.4, दोनों तरफ 2 से करूंगा तो ये 20% हो जाएगा, ये 3.4%। लेकिन मैं कहीं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ 15 से, या फिर आप देख लो इसको, मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी मैं अगर इसे देख लो, अभी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी और नंबर से, जैसे कि आपका कोई नंबर हो गया 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर हो जाएगा 5.1, यानी आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे तो 30% के 4 के बराबर नहीं होगा। लेट करें कि मान लीजिए 30% होता तो 200 - 30 तो आपका आंसर आना था 170, तो यानी 170 तो आएगा नहीं, उससे क्या आएगा, उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि आपका आंसर जो है 30 से कम है, तो कम करेंगे तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में जो वैल्यू कम है उसको कम करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो ज्यादा आएगा, तो ना तो 180 आने वाला है
सॉरी हाँ 180 भी नहीं आएगा क्योंकि 20% से क्या होगा एबव हो, तो 20% से आपका जो एबव है 20% बराबर है आपका किसके 3.4 तो यहाँ 20% अगर होता तब आपका आंसर 120 लेकिन यहाँ 20% से ज्यादा है तो आपका आंसर जो आएगा वो 180 से क्या आएगा कम आएगा तो देखते हैं कैसे आएगा अभी जो यहाँ पे वैल्यू देखोगे मान लिया जाए आपने इसमें दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करना तो जब आप 15 से दोनों तरफ या फिर अभी देख लेते 1% किसके बराबर 10% बराबर है 1.7 उसी तरीके से 5% किसके बराबर हो 0.85 ये 20% और ये 5% जब दोनों को आप ऐड करोगे तो साफ साफ दिख रहा है दोनों को ऐड करना नहीं है बस देखना है दोनों को साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू 4 से अबव चली जाएगी तो मेरे को तो 4 से अबव ले ही नहीं जाना है यानी ये जो आपका परसेंटेज है 5% से क्या है कम अगर यहाँ पे 5% रहता तो 20 और 5 जमे होते हैं 20 जमे 5 होते हैं 25 यानी कि 200 में से मैं 25 घटाता तो आपका आंसर आना था 175 लेकिन ये 25 नहीं है 5 से कम है यानी आपका आंसर 175 से ज्यादा आने वाला है तो आपका कौन होगा 175 से ज्यादा 176% आई होप द आइडिया इज क्लियर ये परसेंटेज पार्ट वन था इसमें मैंने छोटे छोटे भी बात करी है इस पे और एक टाइप आता है जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकाला जाएगा उसका एक और टाइप उसके बाद भी एक और वीडियो आएगा पार्ट 3 उसमें आपको फ्रैक्शन चार्ट से निकालने को बताया जाएगा टोटल 3 वेज होता है निकालने का आप इस पे जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा थैंक यू फॉर वॉचिंग